नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन के जगह में हम बिठाते हैं। अब अगर एक पैराग्राफ लिखे उसमें बार बार एक ही नाउन का प्रयोग करें तो बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए नाउन का प्रयोग एक बार ही होता है, उसके बाद हम प्रोनाउन का सहारा लेते हैं। तो प्रोनाउन जैसे आई, वी, ही, शी, इट, दे, मी, माइन, आर्स, देयर्स, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है पहला प्रकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और पर्सनल प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, जो कि सबसे कॉमन है, हम हर सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई, वी, ही, शी, दे, मी और बहुत सारे तरीके के, और ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के प्रोनाउन हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, हर सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन बिना समझे कि ये प्रोनाउन है। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। सेकेंड टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, इट, दिस इज माय बुक, दीज आर आर बुक, दैट इज योर कॉपी। हम कितने सरलता से ये सब सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन क्या हमें पता है दिस, दैट, दीज, दोज सब प्रोनाउन है? एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो सारे वर्ड जिसमें प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन वर्ड के साथ सेल्फ जुड़ा हुआ होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे सेल्फ वर्ड, सेल्फ प्रोनाउन के साथ जो सेल्फ लगे होते हैं, वो वर्ड या तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब हुआ कोई सेंटेंस में खुद के ऊपर या जिसको बोल रहे हैं उसके ऊपर जोर देके बोलना, जैसे I have done this work myself. मैंने ये काम खुद किया है। तो myself यहाँ पर इस बात को स्ट्रेस करता है कि ये काम मैंने किया है, तो वो हो गया emphatic pronoun. Ask yourself, अपने आप से पूछो, तो ये हुआ reflexive pronoun. Reflect करो, तुम खुद पे reflect करो. You should control yourself, मतलब तुम अपने आप के ऊपर काबू रखो, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नीदर, ईच ऑफ अस हैज अ लैपटॉप, सो ईच का प्रयोग हम कितनी बार करते हैं दिन में। रिलेटिव और इंटरोगेटिव, इसमें कॉमन वर्ड्स है, जस्ट ये कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज हो रहा है या कि इंटरोगेटिव। जैसे जो वर्ड्स हैं, हु, whom, who, whose, which, who are you, क्वेश्चन अगर शुरू होगा, whom do you want to meet, क्वेश्चन अगर शुरू होगा इनसे, तो ये हुआ इंटरोगेटिव। रिलेटिव होगा दिस इज द मैन हु सेव्ड माई लाइफ, हु का प्रयोग हुआ इसमें, लेकिन वो रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज हुआ, ही इज द मैन हु सेव्ड माई लाइफ। वर्ड सेम है बट जिस प्रकार यूज होता है उस प्रकार या तो रिलेटिव होता है या तो इंटरोगेटिव होता है। नेक्स्ट, इनडेफिनेट प्रोनाउन, एनीवन, समवन, समबडी, मेनी, ऑल, एवरीवन, हम सब जानते हैं ये वर्ड्स, एनीवन कुड हैव डन दिस, समवन हैज डन दिस, सो ये सारे एनीवन समवन वाले इनडेफिनेट प्रोनाउन, हम जानते नहीं कौन है इसलिए इनडेफिनेट। लास्ट टाइप हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, इन वर्ड्स का एक साथ प्रयोग होता है दो चॉइसेस के बारे में बात करने के लिए, इन दोनों का प्रयोग होता है। जब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे तो इनका उदाहरण लेके समझेंगे। तो बच्चों ये हुआ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने तरह के प्रोनाउन्स हैं, हम यूज करते हैं लेकिन हम नहीं जानते। तो आज हमें यही जानना है कि प्रोनाउन्स कौन कौन से शब्द होते हैं। आज हम शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन्स से, आज इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन्स के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में, दो वीडियोस में मैं ये सारा कवर करूंगी, तो ये तीन वीडियोस का सीरीज होगा जिसमें मैं प्रोनाउन्स के ऊपर चर्चा करूंगी। तो आप जरूर देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आइए अब जल्दी से इन सेंटेंसेस को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन।
चॉइस दिया गया है, इन चॉइसेस से हमें ये ब्लैंक भरना है। तो आइए देखें, डैश आर स्टूडेंट्स। अब अगर आर आया है तो उसके साथ आई नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ एम आता है। ही नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। वी आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। वी आर स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर बैठेगा वी। डैश इज 5 years old, इज के साथ थर्ड पर्सन बैठता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा है, आई नहीं है, ही है, दे नहीं है। तो आई नहीं होगा, दे नहीं होगा, ही होगा, यहां बैठेगा ही। ही के साथ इज बैठता है, इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बैठेगा। आर प्लूरल नंबर के साथ बैठेगा या आई और यू के साथ बैठेगा। डैश इज अ कार, नॉन लिविंग थिंग। तो देखते हैं क्या होगा, आई नहीं होगा, यू नहीं होगा, इट होगा। इट नॉन लिविंग थिंग को हम इट से संबोधित करते हैं। नंबर फोर, डैश एम नॉट इन द हाउस। एम, यहां पर एम आया है, एम सिर्फ एक ही प्रोनाउन के साथ बैठता है और वो है आई। आई एम का अटूट बंधन, एम और किसी के साथ नहीं बैठता, सिर्फ आई के साथ बैठता है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि जहां आई आएगा वहां एम आएगा ही, ऐसा नहीं है। आई एम के बगैर भी रह सकता है, जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें एम का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन अगर एम है तो उसके आगे आई बैठेगा ही, ये कंफर्म है। नंबर फाइव, पिज्जा आर डिलीशियस फुल स्टॉप। डैश मेक माय डे। डैश मतलब यहां हम समझ पा रहे हैं इस डैश का अर्थ पिज्जा से है। अब पिज्जा हो गया एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे बोलेंगे, इट दे वी, तो जाहिर सी बात है इट बैठेगा। अब आइए चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। डैश इज इन द क्लास विथ डैश। अभी हमें ये देखना है, यहां अगर इज आया है मतलब इधर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, जैसे ही हो सकता है, शी भी हो सकता है, ही शी, बस और कुछ नहीं। डैश इज इन द क्लास, ही इज इन द क्लास विथ, यहां कोई भी एक्यूजेटिव प्रोनाउन आएगा, जैसे देम, अस, हिम, हर, कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी एक लिखें। ही इज इन द क्लास विद देम और शी इज इन द क्लास विद अस, ये सभी पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तरह यूज हो रहा है और प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के तरह यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे एक्यूजेटिव प्रोनाउन है, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, डज। अभी इधर में डज है, डज अगर होगा तो उसके बाद सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन बैठेगा, थर्ड पर्सन, जैसे डज ही या शी। डज ही यूज अ लैपटॉप एट होम, डज शी यूज अ लैपटॉप एट होम, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर माई मम्स फ्रेंड्स। मम्स मम्मीज। डैश यूजुअली गोज आउट विथ डैश, यहां ज्यादा कोई संभावना बचा नहीं है, एक ही आएगा। डैश में आएगा शी, क्योंकि मम के ऊपर रेफरेंस है। शी यूजुअली गोज आउट विद इनके साथ ना, अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो यहां आएगा देम, बस यहां कुछ और स्कोप नहीं है। शी यूजुअली गोज आउट विद देम। अब नेक्स्ट नंबर फोर, डैश डोंट टॉक टू सैम एज डैश आर एंग्री विद डैश। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी ये देखिए इसमें डोंट है, डोंट, डू नॉट। अब हम डू किसके साथ यूज करते हैं, हम डू आई, वी, दे या यू, इन सब के साथ डू यूज किया जाता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही और शी उसके साथ डू नहीं होता, उसके साथ डज होता है। तो मतलब ही और शी तो आउट है, आई, यू, वी और दे में से एक यहां पर आ सकता है। आगे देखते हैं, टॉक टू सैम एज, यहां पर आर है, एज डैश आर। अभी आर अगर है तो मतलब आई आउट हो गया, क्योंकि आई के साथ एम होता तो आई नहीं हो सकता है। तो क्या बचा, यू बचा, वी बचा और दे, यहां यू, वी और दे में से कोई भी एक आप पुट कर सकते हैं। यू डोंट टॉक टू सैम एज यू,
वापस से सेम जो यहां पर लिखेंगे वही यहां लिखना है, एक ही आएगा, यू और वी और दे। एनी वन बच्चों, आप लोगों को तीन नहीं लिखना है, आप कोई भी एक लिखें। एज यू आर, वी आर, दे आर, ठीक है। एंग्री विथ डैश, तो यहां पर जो डैश है वो सैम को रेफर कर रहा है, तो सैम एक लड़का है, तो यहां पर आएगा एज दे आर एंग्री विथ हिम, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सब सोचना पड़ता है बच्चों प्रोनाउंस के लिए, तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। इसके बाद मैं एक वर्कशीट दूंगी जिसको आप जरूर करिए और कमेंट में लिख के मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, और अगर आपको प्रोनाउन सीखने में इससे मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद दो वीडियोज और आएंगे जिसमें मैं पूरे प्रोनाउंस को कवर करूंगी, तो वीडियो देखते रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।